पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चियाले जानते हैं कि अपने हकूक का तहफ्फुज कैसे किया जाता है। तब्दीली का असल चेहरा महंगाई और गुर्बत है। पिछले कुछ दिनों खान साहब अपना 3 साल का तबाही का जश्न मनाया था। सिलेक्टेड हुकूमत हर तरफ से हमलावर है, नालायकों को घर भेजकर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो का टंडो अलहियार में जयालों से खिताब, कहा जब भी सिलेक्टेड हुकूमत आती है अवाम का खून चूसती है। कोई जमात सिलेक्टेड का मुकाबला कर सकती है तो वो पीपल्स पार्टी है। तब्दीली का असल चेहरा गरीब दुश्मनी है। इमरान खान ने पिछले दिनों अपनी 3 साल की तबाही का जश्न मनाया। पीडीएम को दोबारा फाल करने का मिशन, मौलाना फजलुर रहमान के जेर सदारत सरबराही इजलास जारी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। पार्लियामेंट से इस्तीफों और जेल भरो तहरीक की तजवीज पर गौर। पीडीएम के कल मजार कायद पर जलसे के लिए पिंडाल भी तैयार हो गया। इसमें ये जो पीडीएम का जलसा वलसा है कल या जलसी शलसी ये कर रहे हैं, आप देखेंगे कि इस जलसे के बाद फिर फजलुर रहमान साहब कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाएंगे। पीडीएम जलसे के बाद मौलाना फजलुर रहमान फिर बीमार पड़ जाएंगे, फवाद चौधरी का तंज। कहा नून लीग पहले कयादत का इंतखाब करे फिर जलसे करे। पीपल्स पार्टी और नून लीग इलाकाई जमाते हैं। सिंध में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। नासिर हुसैन शाह का फवाद चौधरी को फौरी जवाब, बोले वजीर इत्तला'आत बताएं वफाकी हुकूमत ने 3 साल में अवाम को क्या दिया। हुकूमत की खारजा और मौशी पॉलिसी नाकाम हो गई, अगले इलेक्शन में पीटीआई को शिकस्त होगी। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कराची में मसरूफ दिन, किंगरी हाउस में पीर पगारा से मुलाकात। अहलिया की वफात पर इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ का मुमताज भुट्टो और ममनून हुसैन के अहले खाना से भी इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ पीडीएम के कल के जलसे की कामयाबी के लिए पुरएतमाद। कोरोना की तबाहकारियां जारी, मजीद 120 जिंदगियां ले गया। 4,191 नए मरीज रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शराह 7% रही। कराची में 32 अफराद जान से गए, शराह 12% रिकॉर्ड। जद्दा से कराची पहुंचने वाले 6 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मिठास में महंगाई की कड़वाहट, चीनी की कीमत को पड़ लग गए। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा में 110 रुपए किलो फरोख्त। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुजरांवाला, फैसलाबाद, पिशावर, हैदराबाद में चीनी 105 रुपए फी किलो मिलने लगी। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल। सिंध में आटे का 10 किलो का थैला 20 रुपए महंगा, 590 रुपए में फरोख्त होने लगा। 100 किलो गंदम की कीमत 5,300 रुपए हो गई। अजब रेलवे की गजब हकीकत, रेलवे पेंशनर्स की तादाद मुलाजमीन से भी बढ़ गई। रेलवे मुलाजमीन की तादाद 67,406 जबकि पेंशनर्स की तादाद 1,23,000 से तजावुज कर गई। सालाना 42 अरब रुपए अखराजात आने लगे। वजीर आजम ने डोमेस्टिक और स्कूल क्रिकेट फ्रेम मॉडल की मंजूरी दे दी। स्कूल चैंपियनशिप की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वजीर आजम को डोमेस्टिक क्रिकेट पर ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाने पर वजीर आजम का एहसान मानी को खराज तहसीन। मुल्क के कई इलाकों में मानसून बारिशें, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर, आजाद कश्मीर में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। अब मैंने बाइसिकल ले लिया, तीसरा दिन आज बाइसिकल ये है, फिर ये मेरे ये मैंने वेट्स रखे हैं नीचे, ये साथ में मैं क्रंचेस करूंगा। सो 45 मिनट्स बाइसिकल क्रंचेस फिर वेट्स एंड रेडी टू गो। और साबिक कप्तान वसीम अकरम का नया स्टाइल, मेलबर्न में करंटीना के दौरान मूछें रख ली, वर्जिश को भी मामूल बना लिया। वीडियो पैगाम में कहा कि मूछें रखना करंटीना स्टाइल है।